उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक बार फिर बेटी की इज्जत की तार तार। स्कूल के पास से कक्षा 9वीं की छात्रा का अपहरण कर किया रैप। लखनऊ के शेरपुर थाना क्षेत्र का है मामला। 8 अगस्त को स्कूल के पास से ही नितिन नीरज सहित 5 लोगों ने किया अपहरण। नमस्कार, मैं ब्रजमोहन और आप देख रहे हैं जनता आवाज। योगी के राम राज्य उत्तर प्रदेश से एक बार फिर अपहरण और रैप का मामला सामने आया है। यह मामला यूपी के किसी सुदूर क्षेत्र या गांव देहात का नहीं है, बल्कि प्रदेश की राजधानी लखनऊ का है, जहां से योगी पूरे प्रदेश की कमान संभालते हैं और महिला सशक्तिकरण पर लंबे चौड़े भाषण भी देते हैं। जी हाँ, यूपी की राजधानी लखनऊ से एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कक्षा 9 की छात्रा ने 5 लोगों पर अपहरण कर बंधक बना रैप करने का आरोप लगाया है। मामला लखनऊ के शेरपुर थाना क्षेत्र का है। पीड़िता ने बताया है कि 8 अगस्त को स्कूल के पास से नितिन नीरज सहित 5 लोगों ने कार से उसका अपहरण किया और उसे एक कमरे में बंद कर दिया। कमरे में बंधक बनाकर उसके साथ रैप की घटना को अंजाम दिया गया। इस मामले की जानकारी खुद छात्रा ने थाना पहुंचकर आप बीती सुनाकर बताई। छात्रा ने बताया कि उसने खिड़की से कूदकर खुद को उन दरिंदों के चुंगल से छुड़ाया। इसके बाद थाने पहुंची। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और छात्रा का मेडिकल करवाकर आगे की कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। DCP नॉर्थ जोन कासिम अब्दी के मुताबिक छात्रा के बयान और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर धाराएं बढ़ाकर कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश में अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। चोरी, हत्या, डकैती और रैप की खबरें उत्तर प्रदेश से आना आम बात हो गई हैं। यूपी में अपराधी बेखौफ किसी भी जघन्य घटना को अंजाम दे रहे हैं। कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। शायद अपराधियों द्वारा किए गए कृत्य योगी सरकार की नजरों में अपराध नहीं है। हो सकता है इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देने वाले लोग संस्कारी हों। इस बात से भी मना नहीं किया जा सकता कि शायद इन अपराधियों के मन में BJP नेताओं द्वारा खुद के स्वागत की ललक जाग गई हो। आपको क्या लगता है, यूपी में अपराधी बेखौफ क्यों हैं? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए जनता आवाज और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना न भूलें। नमस्कार।